अब्दुल कदीर खान की पैदाइश 1 अप्रैल 1936 में भारतीय शहर भोपाल में हुई और उन्होंने इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अहले खाना 1947 में आज़ादी के बाद हिजरत करके मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हो गए। उन्होंने 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से साइंस की डिग्री हासिल की और फिर आला तालीम के हसूल के लिए जर्मनी के शहर बर्लिन चले गए। बर्लिन में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट से मास्टर्स ऑफ साइंस और फिर बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेवोन से डॉक्टरेट ऑफ मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की असनाद हासिल की। इसके अलावा उन्होंने एम्स्टरडैम में फिजिकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉरेटरी ज्वाइन की। बाद अजां वो 1976 में वापस पाकिस्तान आ गए, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉरेटरीज में शमूलियत इख्तियार की, जिसका नाम 1 मई 1981 को जनरल जियाउल हक ने तब्दील करके डॉक्टर ए क्यू खान रिसर्च लेबॉरेटरीज रख दिया था। भारत के एटमी धमाके के जवाब में मई 1998 में पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बा किया, जिसकी निगरानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही की थी, और यूं 28 मई को इस बात की तस्दीक हुई कि पाकिस्तान अब एटमी पावर बन गया है। ए क्यू खान ने कई मरतबा इस बात का तज़करा किया कि हमारे मुल्क में एटमी प्रोग्राम साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, जिसे बाद में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने आगे बढ़ाया। डॉक्टर ए क्यू खान के इंस्टीट्यूट ने इनकी सरबराही में न सिर्फ एटम बम बनाया बल्कि पाकिस्तान के लिए 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले गौरी मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज तक मार करने वाले मुतअद्दिद मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 13 तलाई तमगों से नवाजा गया। मोहसिन पाकिस्तान ने हॉलैंड में रिहाइश के दौरान हनी खान नामी खातून से शादी की थी, जिनसे इनकी दो बेटियां भी हैं जो शादीशुदा हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 13 तिलाई तमगों से नवाजा गया, जबकि आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा अब्दुल कदीर ने 150 से जायद साइंस तहकीकाती मजामीन भी तहरीर किए। 1996 में जामिया कराची ने अब्दुल कदीर को डॉक्टर ऑफ साइंस की एजाजी सनत अता की, जबकि 14 अगस्त 1996 में सदर फारूक लगारी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान इम्तियाज दिया, और फिर 1999 में इन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सेचट नामी एक एनजीओ भी बनाई, जो तालीमी और दीगर फलाही कामों में सरगर्म है। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब की मगफिरत फरमाए। आमीन।